अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गेम टॉक विद आबिद पठान की आज की शो की बात करें। आज मेरे साथ यंग फुटबॉलर्स हैं, सुपौल से है, और बात करेंगे इनकी टीम को लेकर। आज जो मैच इनके साथ जो अपोनेंट टीम थी वो वादी कश्मीर की सबसे बड़ी टीम इज ऑफिस, लेकिन आज इनने जब खेला वो इनके सामने टिक नहीं पाई। सच में एक फाइटी मैच लग गया, टाई हुआ मैच आज। तो अपोनेंट्स टीम में जितने भी बड़े नाम थे वो वादी कश्मीर के हर एक प्लेयर की ज़ुबान पे है ही है। अगर हम बात करेंगे शाहनवाज बशीर, वसीम, कैसर और भी कुछ प्लेयर्स उनके साथ थे, तो मैं बात करना चाहूँगा आर्को के प्लेयर्स के साथ। महराज कैसे आप? बस अस्सलाम वालेकुम आदि भाई, बस बढ़िया। कामरान आप बताओ, अभी ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। कैसा लग रहा आप आज? आप लोगों ने बढ़िया खेला, कैसा लग रहा आज? टाई दिया आप लोगों ने मैच लीग में, आप लोगों ने जो एक दिग्गज टीम है एजी ऑफिस की टीम उनके साथ अपने टाई दिया, कैसा लग रहा? पहले तो हमने जो गेम थी पूरा हमारा गेम था, लेकिन हमने बहुत सारे जो चांसेस थे वो क्रिएट किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट, वरना हम ये मैच आसानी से जीत सकते थे जैसे कि हमारे पास जो चांसेस आए। लेकिन फिनिश करने वाले तो आप ही थे। हाँ फिनिश करने थे, कि अनफॉर्चुनेटली आज के मैच में मैं जो वो फिनिश नहीं हुआ। मैंने गोल के साथ एक एंगल लिया था लेकिन वो बाहर ही गया, हो गया। कैप्टन आप आर्को, कैप्टन हो ना आप आर्को टीम के, कैसा लग रहा पहले बताओ? खुशी होगी? हाँ खुशी है, क्योंकि सामने बड़ी टीम थी, बड़े नाम भी थे, शाहनवाज वो भी अच्छा है, हनान भाई वो भी बड़े प्लेयर थे, काफ़ी खुशी है। हमने एजी ऑफिस एक बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी टीम है। अपने व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगा, एजी ऑफिस एक बहुत एक्सपेंसिव क्लब में ये शुमार किया जाता है। इनकी इन प्लेयर्स की सैलरी बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स, लेकिन कुछ वजूहत के मुझे लग रहा कुछ वजूहत है, इसीलिए शायद टीम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही। आप मुझे बताओ कि जब आप उतरे आज मैदान में, क्या कॉम्बिनेशन थी, क्या माहौल बनाया था पहले आप लोग? देखिए पहले हमारी जो टीम स्ट्रेटजी थी वो सिंपल थी कि आप मैच जीतो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। और जो टीम अकॉर्डिंगली हम पिछले मैच में भी खेले थे, जो हमने डाउनटाउन के साथ जीता था, डाउनटाउन हीरोज़ के साथ, वही स्ट्रेटजी हमारी सेम थी, कि उसी स्ट्रेटजी के साथ हम सेकेंड मैच में भी उतरे आज। और कैप्टन आप बताओ? हाँ यही स्ट्रेटजी थी कि जीतना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम टाई हुआ। अच्छा ये बताओ मुझे कि सोपोर का फुटबॉल एक ऑलवेज टॉप पे होता है, वहाँ के प्लेयर्स की बात अगर करें उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आज तक कौन किया? वैसे सोपोर का तो पूरा सपोर्ट ही हमें होता है मैच में, जब भी वो सुनते हैं कि श्रीनगर में आर्को का मैच है तो बहुत सारे लोग सोपोर से भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, जो हमें भी बूस्ट करता है कि नहीं, हमारे अपने इलाके से भी बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए और अपनी टीम को जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक वक्त वो होता था जब खाली श्रीनगर में टॉप टीम्स होती थी, उस वक्त अगर हम आपके सोपोर की बात करें वहाँ पे भी डिवीजन के टीम्स जैसे वलुर थी, मूसा और भी कुछ टीम थे वहाँ पे, वो भी एक नामी ग्रामी टीम हुआ करते थे। लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो और आज एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोग को हायर किया है, सैलरी भी बाजाबता है ही है, कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, प्लेटफॉर्म सहेल भाई ने प्लेटफॉर्म दिया है सोपोर लड़कों को, तो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कोई मैसेज देना चाहोगे अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं आपके, आपको जो देखते हैं आप, क्योंकि आप मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में आपका इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा है ही है, कौन सी मैसेज देना चाहोगे अगर यंगस्टर्स को? थैंक यू भाई आपके जो आपने कमेंट किया मुझ पर, कि पहले तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि कंटिन्यू आप वर्क करें, हार्ड वर्क करें, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा जो हार्ड वर्क करता है उसको फ़ायदा मिलता है हमेशा। हाँ वो फ्रूटफुल होता है, और हार्ड वर्क करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ने जो भी किस्मत में लिखा होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। कम हो आपसे कहना चाहूँगा सेम कहते ना, खुद ही को कर बुलंदा की हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। गेम टॉक में आबिद पठान के इस वाले शो से मैं अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो आर्को की टीम है ये कश्मीर का नाम जो है रोशन करे, अल्लाह ने के मान।